तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो बीबी की वाइंस पे? आइए शुरू करते हैं। ये Good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskaram, my name is Nikhil. Namaskaram, everyone. I'm Bani and I welcome you all to the Thought TV. This is your one-stop channel for all your reaction, reviews, teardowns, and blah, 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 blah to the square 3789124. क्या था? कुछ भी होता बकवास करना होता जो साउंड तेज करे, जैसे होता ना कि हे वेलकम बैक टू माय चैनल, तो उसमें तेज बोल दो तो अच्छा लगता, मतलब लगता सही चीज आ रही है। और गाइस दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम वी वुड बी रिएक्टिंग ऑन बीबी की वाइंस। वी आर अ वेरी बूम बम फैन ऑफ दिस पर्सन। हमने कभी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि सब रिएक्ट करने से पहले देखी है, देख लेते थे हम, देख लेते थे तो हमने रिएक्ट नहीं किया। तो आज थोड़ा रिएक्शन देंगे, हमने देखी नहीं है तो मैं चौकड़ी मार लेता हूं। ठीक है। और गाइस ओके, और गाइस इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो यार बार बार एक मिनट गाइस, मैं काटूंगा नहीं इसको। ओके तो गाइस इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ठीक है, सब बोलते हैं ऐसा कि तुम कर लो ये कर लो, तुम करोगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है हमारे पास एक ये है एंड आई थिंक इसका नाम है, इसका नाम पता ही है, इसका नाम है बोस। ठीक है, सुपर है, तेज नहीं बोला। ठीक है, दोबारा से करते हैं, इसका नाम है बोस्विके। ठीक है, सो गाइस अब दिस वुड लेट यू मेक अ सब्सक्राइब, इफ नॉट देन यू आर बोस्विकेस फ्रेंड। यस ठीक है, अरे ऐसे नहीं बोल रहा मैं। चलो ये हमारे साथ यहाँ रहेगा रिएक्शन में, इतना बता दो गिरे ना बेचारा, उसकी लाते खोल देते ना थोड़ी सी। ठीक है, और गाइस दिस वुड बी आवर फर्स्ट रिएक्शन, हम बता चुके हैं दिस गोना बी ऑन पिताजी गॉट टैलेंट। यस लाइक इंडिया गॉट टैलेंट, पिताजी गॉट टैलेंट। 6 minutes video without wasting any time, jumping into the video. मम्मी हम तीनों के लिए चाय बना दोगी? कितने कप? 16। हैं? तीनों के तो तीन कप ही तो बनाओगी मम्मी। एक मेरे लिए भी। भोन बेटा, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। सुन मैं कैसे? केजरीवाल। केजरीवाल था ना? मम्मी हम तीनों के लिए चाय बना दोगी? कितने कप? 16। हैं? तीन लोगे तो तीन कप ही तो बनाओगी मम्मी। एक मेरे लिए भी। भोन बेटा, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। सुन मैं कैसे हो आप? ठीक हूँ। तो ठीक है? हाँ, मैं क्या कह रहा था, बस पीठ में थोड़ा दर्द है मेरे भी। अच्छा सुन, कुछ लगाओगे पीठ पे? हाँ। बेटा वो एग्जैक्टली क्या लगाओगे? चांटा। चुप कर जा। बेटा मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ। मुझे वो, हम निकलते हैं फिर आप दोनों कर लो बात। अरे चुप, मुंह पे उंगली रख। बेटा तुझे तो पता ही है मेरे कॉलेज के दिन। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ ना पापा। गोटे में तो पहले से था। नहीं नहीं मेरा मतलब बहुत किस्से सुनाई है ना। हाँ बहुत सही था कि वो कह रहा मैं कॉलेज के दिन में बाद में आया हूँ। बहुत अच्छा जोक था, बहुत ह्यूमरस था। तू किस पे हंस रही है? तू किस पे हंस रही है? मैं इसी पे हंसती हूँ। मुझे, मैंने बताया उस पे हंसी है ना तू? उसी पे हंसती हूँ। गलत जोक पे नहीं हंसना। नहीं हंसेंगे। पहले पे था। नहीं नहीं मेरा मतलब बहुत किस्से सुनाई है ना। हाँ। मैं बहुत मुश्किलों से कॉलेज पहुंचता था, पुलिस बैरिकेड और किले टाप के। दिल्ली बॉर्डर पे था कॉलेज? ना ना, कॉलेज में हमारी एक 5 लोगों की संगीत मंडली हुआ करती थी। उसके अंदर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो तबला बजाता था, एक दोस्त सारंगी बजाता था। और आप क्या बजाते थे? तालियां। कुछ भी मत बको, मैं प्रोग्राम का आयोजन करवाता था। अच्छा, कुर्सियां लगाते थे? तू फिर बोला, मुंह पे उंगली रख। ओह नो। बेटा मैंने जीवन में कुछ खास नहीं किया, सब दोस्त मुझसे बहुत होशियार थे, पढ़ाई में खेल कूद में मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। कॉलेज के दिनों से ही मुझे कुछ बड़ा करना था। अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस हाँ, बड़ा हुआ तभी तो भुवन आया। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? ये देखिए, देख टीवी पे एक नया शो आने वाला है, पिताजी गॉट टैलेंट। हर खंबे पे इश्तिहार लगा है। तो सोच, हर बाप को दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। आप पार्टिसिपेट करोगे? तो हम चारों में से बाप कौन है? बेटा बताओ। लेकिन आप में क्या टैलेंट है पापा? अरे मैंने कॉलेज में 2 साल वो भी किया है, वो ड्रामा करने को क्या कहते हैं, रंडी रोना करना। क्या? थिएटर। थिएटर। हाँ 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 थिएटर। अरे वो कितना अच्छा था जब वो भूल गया वो बात को, इतना ह्यूमरस था वो, भूला ना बात को। क्या कहते हैं,
रंडी रोना करना। थिएटर थिएटर हाँ 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 थिएटर थिएटर। अरे वाह, मुझे नहीं पता था। तुम्हारी पीढ़ी ने आज तक नाटक कहाँ देखा है? न्यूज चैनल देखते हो? तुम लोगों के लिए मनोरंजन तो वही होता है, वो 15 सेकंड का इनको कुछ करके दिखाओ ना। हाँ ठीक है, टाइटैनिक वाला सीन करते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। अरे बड़ा बदतमीज़ है, शोले वाला करते हैं, शोले वाला। टाइटैनिक वाला सीन करें, गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। ओके सीन करते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। अरे बड़ा बदतमीज़ है, शोले वाला करते हैं, शोले वाला। हम का किए बे? मैं गब्बर, आप वीरू, तू बसंती, मैं फांबा। ओके फांबा। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर, एनकाउंटर का बोले हैं, जहां दिखे हुतड़ में गोली। हे छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो कुछ नाच गाना दिखा दियो हमको भी। नाचती हूँ बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। कब तक कैंट का पानी बेचूंगी? ओके ऐसे क्यों उठ रहा था कि ओके समझ आया। कब तक कैंट का पानी बेचूंगी? आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी भार आएगी, आंखें भार आएगी, कांच पे नचेगी, खून निकलेगा, फिर लंगड़ी कुत्तिया की तरह चलेगी, आओ 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 करेगी। ना पौवे का ठिकाना है ना टट्टी का, खर्चा कहां से करूंगा तेरी मरम पट्टी का। क्या कर रही हो ये? ये तो नाना पाटकर बन गया। अरे तू रो क्यों रही है? क्यों गलत किया? रहने देते हैं, गाना गाना भी गा सकता हूँ रहाने जैसे। पापा रिहाना गाती है, रहाने क्रिकेटर है। हाँ हाँ चर्चा में तो दोनों ही आजकल। अच्छा सुनो। यार तुम लोग ऐसे मत देखो, घबराहट होती है। ठीक है मत देखो भाई, गाओ। कब से है दिल में मेरे अरमा कही अनकहे, इनको तू सुन। देख फिर निहार रहा है। निहार नहीं रहा हूँ, घूर रहा हूँ। बहुत भाई याद गा रहे हो पापा। बहुत ट्रेंडी सी आवाज है। हाँ हाँ जैसे तुम्हारे कंठ से तो फूल झड़ते हैं। क्या कंठ? कंठ ओ मतलब यार ये दोस्त किसी को घर में ना है। क्या आवाज है? हाँ हाँ जैसे तुम्हारे कंठ से तो फूल झड़ते हैं। क्या कंठ? कंठ ओ तुझे पता था? अंकल मेरे साथ गाओ। सानी धापा क्या रंडा पा, क्या रंडा क्या मागारे मागारे फारे सारे फारे सारे। रहने दे। क्यों कुछ और कर सकते हो? वो स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता हूँ। मत करो, दिक्कत हो जाती है आजकल। एक सेकंड मम्मी सुनाओ कुछ। एक आदमी ने अपने पैरों पे घड़ी बांधना शुरू कर दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो वक्त के साथ चलना चाहता था। ऐसे जोक मारोगे? तू नहीं हंसा लेकिन तेरी माँ को कल यही जोक सुनाया था, बहुत हंसी थी वो। अच्छा मम्मी काला कुत्ता भाव भाव हर चीज पे हंस देती है वो। खाना बना सकता हूँ, इधर देख के बोलना जरा। क्यों बैंगन की सब्जी नहीं बनाई थी कल? तूने भी तो खाई थी। हमने तो नहीं खाया, हमें लगा कढ़ाई में चूहे ने हक दिया वो बैंगन तो। मैच रहने दो, बेइज्जती करवा लोगे वहाँ जाकर। तुम चुप रहो यार, अनमोटिवेट मत करो मुझे। देख बेटा इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। ओके अंकल डीमोटिवेट। इंग्लिश सिंपल एंड फाइन, जस्ट पुट although and perhaps before every line। पापा रहने दो ये reality show। मैं मुंह से कई आवाजें भी निकाल लेता हूँ। कभी प्लेन सर के ऊपर से निकला है? ये देख। अरे भाई वैसे तो मैं अमिताभ की आवाज में बात कर सकता हूँ। और चाहिए तो मैं फरहान की तरह भी बोल सकता हूँ। मेरे वालिद साहब जो है उनकी आवाज बड़ी काबिले तारीफ है भाई। पापा मैं तेरी एक आवाज पे पाप भी मार सकता हूँ। हैं बोल के तो देख। मैं नहीं बोल रहा, उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया था मैंने, 35 किलोमीटर रोज पहाड़ चढ़ के। पा दो अंकल, पा दो अंकल, पा दो। एक और बार। गैस नहीं बन रही, इनो लेके आना जरा। मैं नहीं ला रही कुछ। समझ गया आप में टैलेंट है लेकिन आप नहीं जा सकते पिताजी को टैलेंट में। क्यों? इसमें लिखा है कि कंटेस्टेंट के कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। बेटा तू उस दिन कह नहीं रहा था कि पापा मैं अकेला पड़ गया हूँ थोड़ा? तो क्या देख रहे हो? अकेला पड़ गया हूँ का मतलब था कि उस टाइम पे मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं था। है वहाँ नहीं आदमी। क्या बोल रहे हो पापा? सिलेंडर उठाने में सांस फूल जाती है तुम्हारी।
भटूरे फुलाएंगे। इस उम्र में ये सब करना इस आदमी को भटूरे फुलाएंगे फूल जाती है तुम्हारी भटूरे फुलाएंगे। इस उम्र में ये सब करना इस आदमी को। पर मुझे अपना हुनर दिखाना है। अरे तो क्या बिस्तर से शुरू करोगे? पता नहीं क्या सोचते रहते हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे आंटी चाय। अरे चुप। बड़ा मजेदार था ये बूम भाम एट इट्स बेस्ट। अच्छा एपिसोड था। देयर हैव बीन लाइक लॉट ऑफ बेस्ट एपिसोड्स ऑफ हिम बट दिस वाज गुड। दिस वाज लाइक गुड। दिस वाज लाइक जस्टिफाइड। मैं थोड़ा डर रहा था कि हमने पहला एपिसोड ऐसा उठा ले जो अच्छा ना हो। हाँ मुझे भी लग रहा था कुछ बीच में ऐसे एलिमेंट्स ना आ जाए कि भैया बीप 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 करनी पड़े। बट दिस वाज लाइक समझ जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एपिसोड। बीबी की वाइंस, पिताजी का टैलेंट, रिएक्ट क्या किया हमने तो एंजॉय किया। हमने तो एंजॉय किया। अगर आपने भी एंजॉय किया है Why don't you go and hit Baby K Wines on his official page and do drop a comment of what you feel. Moreover, you can also like our video and drop us comments कि आपको कैसा लगा? क्या हमने वैसे एक बात बताऊँ, लेकिन हमने for the first time ना इस तरह की वीडियो पकड़ी है। If you want to enjoy with us on more such videos, do let us know, guys. Please. Yes. Alright, so what we're gonna do is we're gonna wrap this up, guys. If you're still with us, please hit that subscribe button. Be part of the family. This is me, Nikhil, signing off. Signing off. Adios.